मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूव्रतां जातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। आज नौवा दिन है और नवे अध्याय के अर्थ को अपन समझेंगे। नवे अध्याय में 47 सूत्र हैं और 47 सूत्र को याद रखने के लिए इस काल में चार प्रकार के ध्यानों में से केवल 3 ध्यान संभव हैं। तो 4 ध्यान होते हैं इसलिए 4 ले लो, और वर्तमान में 3 संभव हैं तो 4 और 3 साथ मिला करके आगे लिखने से 47 सूत्रों को अपन इस प्रकार से याद रख सकते हैं। इनका वर्गीकरण यदि अपन देखें तो पहले 7 सूत्रों में आश्रव निरोध संवरा से चालू होकर के और इनके किन किन के माध्यम से होता है तब से निर्जरा भी होती है, फिर इनके जो वर्णन है उन्हीं को आगे 4 सूत्रों में और किया तो ऐसे 7 सूत्र, फिर 5 सूत्रों में परिचय है कौन कौन से क्यों पालन किए जाते हैं और कौन कौन से गुणस्थान में कितने परिचय होते हैं, फिर 5 सूत्रों में परिचय कौन कौन से कर्म से होते हैं और एक साथ कितने परिचय होते हैं, फिर इसके बाद में चारित्र का वर्णन, फिर बाह्य तप और अभ्यंतर तप, क्योंकि तप का सूत्र 3रा था उसके बाद में तप का वर्णन, फिर उसमें ध्यान को छोड़ करके 5 के जो हैं उत्तर भेदों की संख्या, फिर 5 सूत्र हो गए, फिर 3 सूत्रों में ध्यान का वर्णन सामान्य से, फिर 5 सूत्रों में आर ध्यान, 1 सूत्र में रोध ध्यान और 1 सूत्र में धर्म ध्यान, फिर इसके बाद में शुक्ल ध्यान के स्वामी और शुक्ल ध्यान के भेद, फिर कितने योग होते हैं शुक्ल में कौन कौन से और उसमें पहले और दूसरे शुक्ल ध्यान की विशेषताएँ, फिर वितर किसे कहते हैं, अविचार किसे कहते हैं और निर्जरा का क्रम, और इसके बाद में 5 प्रकार के मुनि और उनकी आपस में तुलना। ऐसे जो हैं 47 सूत्रों में ये नवा अध्याय है, इसमें आश्रव रहित संवर पूर्वक निर्जरा का वर्णन आता है। तो सबसे पहला सूत्र का अवतार हो रहा है आश्रव निरोध संवर। हाँ, आश्रव का निरोध संवर है, यहाँ पर बंध का निषेध नहीं किया इसलिए इसमें आश्रव और बंध इसमें कोई विशेष भेद नहीं है, एक ही है। तो जहाँ कर्मों का आना रुकना वो द्रव्य संवर कहलाता है और जिन निमित्त से कर्मों का आना रुकता है वो भाव संवर कहलाते हैं। जहाँ लौकिक उदाहरण के रूप में देखना हो तो एक बार जब दिल्ली में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था उस समय जो सेठ सुवनचंद थे उन्होंने लोग लूटने के लिए आ रहे थे, उन्होंने आभूषणों को पहले से निकाल करके रख लिया और जहाँ लोग आभूषण देने में रोते गड़गड़ाते थे लेकिन इन्होंने जब लुटेरे लोग आए तब उस समय में उनसे कहा कि ये रखें आप ले जाइए, तो उन्होंने कहा कि सब लोग तो घबरा रहे हैं लेकिन आप तो ऐसे ही दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा लक्ष्मी तो जो है अपने पुण्य की दासी होती है, यदि पुण्य कर्म होगा तो पुनः प्राप्त हो जाएगी, यदि पाप कर्म होगा तो चली जाएगी। तो ऐसा सोच करके जब उन्होंने देखा कि ये लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी का दास नहीं है, तो वहाँ पर वो सरदार था उसने एक व्यक्ति को तैनात कर दिया कि इसकी संपत्ति कोई नहीं लूटे, तो उस भावों से उसने जो वहाँ प्रकट किया उसके माध्यम से लुटेरे उनके संपत्ति के रक्षा वाले हो गए, लूट करके नहीं ले गए। तो यहाँ इसी प्रकार से जिन भावों से कर्मों का आना रुकता है वो भाव संवर और कर्मों का आना रुकना ये द्रव्य संवर कहलाता है। अब ये संवर किसके माध्यम से होता है तो उसके लिए दूसरे सूत्र का अवतार होता है सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्री। हाँ, वह जो संवर है वह गुप्ति से समिति से धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय और चारित्र से होता है। इसमें सम्यक दर्शन का नाम नहीं लिया तो सम्यक दर्शन जो है संवर में कोई कार्यकारी नहीं होता, जहाँ चारित्र संबंधी ही जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर संवर करने में कार्यकारी होती हैं। अब तप का वर्णन कर रहे हैं तपसा निर्जरा च। हाँ, तप जो होता है वो निर्जरा भी करता है और चा शब्द से जो पहले संवर का प्रकरण चल रहा है तो संवर भी होता है, जैसे एक ही छतरी धूप से भी बचाती है और पानी से भी बचाती है, तो इस प्रकार से तप भी निर्जरा भी करता है और संवर भी करता है। जहाँ अपन ने दूसरे सूत्र में देखा तो वहाँ पर सबसे आखिरी में चारित्र था, तो चारित्र वालों को ही यानी परिचय जय उन्हीं के होते हैं और उसके बिना अनुप्रेक्षा का भी जो है उन्हें अनुप्रेक्षा का
जब चिंतन करते हैं तभी वो परिचर्या करने में समर्थ होते हैं, और इनके बिना धर्म का पालन भी नहीं होता है। वो परीक्षाओं को दोनों के बीच में रखा है, दोनों के कारण यानी एक दोनों दोनों के लिए संभालने के लिए, और इसके बिना जो है समिति का पालन भी नहीं होता। पहले उसके ने धर्म का पालन नहीं होता, फिर अनुप्रेक्षाओं से धर्म का पालन होता है, और धर्म से ही समिति का पालन होता है। और जो समीचीन रूप से समिति का जो पालन करते हैं वही गुप्ती को पालने में समर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से आगे आगे के लिए वो जो है कार्य करते हैं। इसमें गुप्ती जो होती है वो निवृत्ति यानी संसार के कारणों से आत्मा की रक्षा करना, यदि ये ख्याति लाभ पूजा के लिए की जाएगी तो ये भी निर्जरा के लिए कारण नहीं होगी। समिति जो होती है वो यत्नाचार प्रवृत्ति को कहते हैं, जो उत्तम स्थान में रखता है उसको धर्म कहते हैं, और इसमें भी उत्तम जो है विशेषण लगते हैं तो वो ख्याति लाभ पूजा से रहित होने के लिए लगते हैं। फिर जहाँ अनुप्रेक्षाओं में 12 भावनाओं का चिंतन किया जाता है और 22 परिचयों का वर्णन आगे आएगा, चारित्र जो होते हैं वो संसार परिभ्रमण के कारण रूप क्रिया का भाव करने के कारण होते हैं, और तब जो होता है वो इच्छाओं को रोकना होता है। तो इसके माध्यम से जहाँ इसके बाद में तप का वर्णन किया तो उसमें निर्जरा, जिसमें कि जब बंधे हुए कर्म एक देश झड़ते हैं तो उसको निर्जरा कहते हैं, और कर्मों का झड़ना द्रव्य निर्जरा है, और जिन भावों से कर्म झड़ते हैं वो भाव निर्जरा होता है। अब इनमें इनका विस्तार प्रारंभ होता है, तो सबसे पहले गुप्ती का वर्णन करते हैं। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही, हाँ, योगों को सम्यक प्रकार से निग्रह करना, रोकना गुप्ती कहलाता है। जैसे कछुआ होता है वो अपने हाथों पैरों को अपनी गर्दन को अंदर सिकुड़ लेता है, फिर उसके ऊपर शेर भी आक्रमण करने में समर्थ नहीं होता। तो इस प्रकार से गुप्ती जो है अपनी आत्मा की रक्षा करने में सहायक होती है। तो इसमें शारीरिक क्रिया का नियमन किया तो वो काय गुप्ती हो गई, मौन धारण किया तो वचन गुप्ती हो गई, और संकल्प विकल्प से अपन ऊपर उठे तब मन गुप्ती होती है। अब 5 समितियों का वर्णन आ रहा है। ईरिया भाषेषणा दान निक्षेपोत्सर्गा समितयः, हाँ, इसमें ईरिया समिति जहाँ 4 हाथ आगे की जमीन देख करके चलते हैं, इसमें जो किन किन आलंबन लेकर के, तो उसमें मार्ग शुद्धि होनी चाहिए यानी मार्ग अच्छा होना चाहिए, फिर प्रकाश शुद्धि रात्रि में बिहार नहीं, फिर उपयोग शुद्धि, उपयोग शुद्धि का अर्थ है कि उसमें अपना उपयोग जमीन पर रहे, कोई ऐसा कठिन पाठ आदि नहीं पढ़े जिससे कि उपयोग उसमें पड़ जाए, और आलंबन शुद्धि, किस आलंबन को लेकर के बिहार हो रहा है, जैसे तीर्थयात्रा है अपने जहाँ पर सोच के लिए जा रहे हैं, मंदिर की वंदना के लिए जा रहे हैं, तो कोई ना कोई आलंबन लेकर के वहाँ चलना होता है। एक बार जब आचार्य श्री विद्याधर के रूप में थे तो जहाँ वो सोच के लिए जाते थे तो उस समय में कुछ ना कुछ पढ़ते हुए जाते थे, अध्ययन करने का समय था उनका, तो उस समय वो जो कोई साथ में चलने वाला था वो कहने लगा कि आप यहीं पर सोच कूप में चले जाया करो तो समय बच जाएगा। तो विद्याधर के रूप में वहाँ पर बोलते हैं वो कि हम समय बचाने के लिए ही वहाँ जा रहे हैं, और समय का अर्थ हमारे गुरुजी ने आत्मा बताया है, तो आत्मा को बचाने के लिए हम सोच कूप में नहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं। भाषा समिति जहाँ हित में प्रिय वचन बोले जाते हैं। ऋषणा समिति दिन में एक बार निर्दोष आहार ग्रहण करना। आदान निक्षेपण समिति जिसमें उपकरणों को देखभाल कर लेना व रखना, जहाँ स्वयं बैठते हैं वहाँ पर भी परिमार्जन आदि करना, ये भी आदान निक्षेपण समिति के अंतर्गत आता है। और उत्सर्ग समिति जंतु से रहित स्थान पर मलमूत्र आदि का विसर्जन करना, जहाँ शुद्ध आहार तो मिल जाता है लेकिन शुद्ध प्रासुक भूमि जो है बड़े बड़े शहरों में नहीं मिलती है, इसलिए बड़े बड़े शहरों में इस समिति के पालन में जो लोग वहाँ के निवासी हैं वो प्रयास करते हैं इस प्रकार की भूमि आदि का पहले से, कि जिसके माध्यम से साधुओं की ये चर्या भी अच्छे से पल सके। अब इसके बाद में आता है 10 लक्षण धर्म का। उत्तम क्षमा मार्द वार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणी धर्म। हाँ, इसमें पढ़ते समय में अपने को तोड़ना नहीं है कि मार्दव आर्जव, ऐसा नहीं, मार्द वार्जव ऐसा जो लिखा है अपने को वो पढ़ना है, फिर अपन तोड़ेंगे उसको अलग अलग तब फिर वहाँ पर उसका कि मार्दव है फिर आर्जव है ऐसा। तो इसमें उत्तम विशेषण सब में लगा है, जिसके बारे में बता दिया कि ये जो है ख्याति लाभ पूजा के लिए नहीं किए जाते हैं,
तो उसके माध्यम से सम्यक उत्तम विशेषण लगता है। तो जहाँ चार जो धर्म हैं पहले वाले वो कषायों के अभाव में उत्पन्न होते हैं, फिर पांच जो धर्म हैं वो छः में से पांच क्रम से नहीं है लेकिन पांच पाप के अभाव के लिए, तो उसमें उत्तम सत्य झूठ के लिए, उत्तम संयम अहिंसा यानी हिंसा पर विजय के लिए, फिर उत्तम त्याग, उत्तम त्याग चोरी, चोरी में ग्रहण करते हैं त्याग में छोड़ते हैं तो ये उसका विपरीत है इसलिए इससे चौर्य पर विजय प्राप्त होती है, और आकिंचन जो है परिग्रह पर विजय प्राप्त के लिए, और कुशील पर विजय प्राप्त करने वाला उत्तम ब्रह्मचर्य होता है, और उत्तम तप जो होता है वो इच्छाओं के निरोध के लिए होता है। तो ऐसे तीन विभाग में इसके ये 10 लक्षण धर्मों का पालन करते हैं। फिर 12 भावनाओं के बारे में आ रहा है, अनित्याशरण संसारे कत्वान्यत्वा सुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनु प्रेक्षाः। हाँ, ये 12 भावनाएं हैं, इसमें अनित्य में जो संयोग हुए हैं वो सब क्षणभंगुर हैं, देह का भी संयोग हुआ है वो भी क्षणभंगुर है, और आत्मा का जो है संबंध नहीं हुआ है, आत्मा तो अपनी है, तो उसमें नित्य है, स्थायी बना है, इस प्रकार का चिंतन। फिर अशरण भावना में जितने भी संयोग हैं सब अशरण भूत हैं, कहाँ शरण नहीं है, और आत्मा जो है शरण भूत है। फिर संसार में कोई सार नहीं है और आत्मा सारभूत है। एकत्व में जहाँ संयोगों में जब संबंध रहता है तो उसके माध्यम से निसंगता प्राप्त नहीं होती, तो निसंगता प्राप्त करने के लिए, और आत्मा के साथ में निसंगता नहीं, आत्मा के साथ में तो वहाँ पर संगता प्राप्त, यानी उस आत्मा ही अपनी है, उस दृष्टि से एकत्व भावना। अन्यत्व भावना, अन्य पदार्थों से मैं पृथक हूँ और आत्मा से एकत्व है। अशुचि, शरीर अपवित्र है, आत्मा पवित्र है। तो ये जो हैं 6 प्रेरक वैराग्य के लिए भावनाएं होती हैं, और 6 तत्व प्रधान भावनाएं हैं जिसमें आश्रव, जहाँ विकारी संयोगी भावों का होता है इसका चिंतन करना आश्रव, और संबर में संबर के गुणों जिसके माध्यम से पाप का आश्रव रुकता है, निर्जरा जहाँ पर निर्जरा के माध्यम से जो कर्मों का आश्रव हुआ है बंद है उनका दूर होना होता है, और जिसमें लोक के स्वभाव का चिंतन किया जाता है वो लोक भावना होती है। बोधि दुर्लभ, आगे आगे जो सारी चीज़ें दुर्लभ होती जाती हैं जो आप बड़ी भावना में पढ़ते हैं, तो रत्नत्रय और रत्नत्रय के बाद में आगे शुद्ध उपयोग, फिर केवल ज्ञान, ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं, और धर्म जो मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है, इस प्रकार से इनका चिंतन करना ये धर्म भावना। तो ये 12 भावनाओं का बार बार चिंतन करना। इसी तत्वार सूत्र में अपन ने 6 अध्याय में 16 कारण भावनाएं भी देखी हैं और 12 भावनाएं भी देखी हैं, तो कौन सी भावना बड़ी है इसमें, कौन सी वाली बात है, 16 कारण बड़ी होनी चाहिए 16 है तो, लेकिन ऐसा नहीं, 16 कारण भावनाएं सभी भाएँ कोई जरूरी नहीं, लेकिन आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं सबने 12 भावनाएं अवश्य भाई हैं, और 12 भावनाओं के चिंतन पर जब तीर्थंकर भी 12 भावनाएं भाते हैं तो लोकांतिक देवों के सिंहासन हिलने लगते हैं, लेकिन 16 कारण भावनाएं भाने से नहीं हिलते वो लोग, जब आते हैं जब भगवान भी 12 भावनाएं का चिंतन करते हैं, तो इसमें 12 भावनाओं का विशेष महत्व है। लेकिन देखा जाए तो यदि चिंतन करें तो उसमें कोई वैसे कोई अंतर नहीं है, क्योंकि नए की विवक्षा में जब लगाएंगे तो अपन उसमें सारे धर्म वहाँ पर भी समाहित हो जाते हैं। नहीं, पालन तो उनका, उनकी भी भावना, तो भावनाएं तो जो है भाने की होती हैं, उसमें जो है चिंतन और व्रत आदि किए जाते हैं बात अलग है, लेकिन उसमें भी उनकी भावनाएं तो जो होती हैं बार बार भाई जाती हैं। अब ये 7 सूत्र हो गए हैं, अब 5 सूत्रों में परिचयों का, वैसे 10 सूत्र हैं लेकिन अभी पहले 5 सूत्र में कि परिचय क्यों पालन किए जाते हैं, तो उसके लिए मार्ग्या चवन निर्जरार्थम परिशोडव्याह परिशहाः। हाँ, जो संवर का मार्ग है वो छूटे नहीं, और कर्मों की निर्जरा करने के लिए जो सहन करने योग्य हैं वे परिचय कहलाते हैं। तो परिचय जो होते हैं वो बाहर से नहीं, कर्मों के उदय से होते हैं। अब इनमें जो परिचय कितने होते हैं उनके लिए अगले सूत्र में 22 परिचय होते हैं। आचार्य जी कहते हैं कि साधुओं के लिए तो मात्र 22 परिचय होते हैं, श्रावकों के लिए तो बहुत सारी परेशानियां रहती हैं, तो यहाँ पर जो है केवल 22 हैं ऐसा सोच करके कुछ नहीं है, श्रावकों की बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो उसमें ये मार्ग में जो है ऐसा सोच करके कि इसमें परेशानी है ऐसी बात नहीं है।
क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्निया रति स्त्री चर्या निषद्या सैया क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। हाँ, क्षुदा जानते ही आप भूख कहलाती है, तृषा यानी प्यास, फिर शीत यानी ठंड, उष्ण यानी गर्मी, फिर दंश मशक यानी मच्छर आदि का काटना, फिर नाग्न्य यानी बालक वध जन्मजात रूप धारण करते हैं साधु, फिर अरति, अरति में अच्छा नहीं लगना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अरति भाव होता है वो, उसको जीतना, फिर स्त्री जहाँ पर साधु रहते हैं उनके लिए स्त्री और जो साधु रहते हैं उनके लिए पुरुष, इस प्रकार से ये परिचय, उनके सभी प्रकार के विकार भाव को जीतना, फिर चर्या यानी चलते समय में जो पीड़ा आती है, निषद्य यानी बैठ बैठ करके जो आसन आदि लगाते हैं तो इसमें आसन विजयी होना, इसमें कसरत नहीं है, इसमें तो आसन में पीड़ा आदि ना हो बिना चले हुए, क्योंकि हिलते हैं उसमें भी वो दोष माना जाता है, फिर शयन करते हैं तो शैया, फिर आक्रोश रास्ते में चलते हुए कोई कठोर वचन बोल दे तो भी उस समय में क्रोध के भाव उत्पन्न ना हो, बद कोई मारने के लिए भी आए तो भी उसका प्रतिकार नहीं करते, और प्राण निकल जाए तो भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, मांगते नहीं हैं। इस याचना परिसय में श्वेतांबरों में इसमें याचना में कि मांगो उससे मान कसाय कम होती, ऐसा उनके यहाँ इसका विपरीत अर्थ निकाला है। फिर अलाभ जिसमें आहार आदि की अप्राप्ति में भी संतुष्ट रहना, फिर रोग जिसमें शरीर में व्याधियां उत्पन्न हो जाएं तो उसको यहाँ पर उत्कृष्ट वर्णन में उनका प्रतिकार भी नहीं करते, लेकिन इस पंचम काल में हीन संगनन है तो उसमें प्रतिकार भी करते हैं, और प्रतिकार करने के बाद में भी यदि रोग ठीक नहीं होता तो फिर उस समय में समता के साथ में इसको सहन करते हैं। तृण स्पर्श जहाँ पर कांटे कंकर आदि का जो स्पर्श होता है वो तृण स्पर्श, फिर मल स्नान व्रत होने के कारण में शरीर पर एकत्रित मल जो होता है उसमें भी घृणा का भाव नहीं करना, सत्कार पुरस्कार जहाँ पर पूजा प्रशंसा आदि में भी वहाँ पर फूलना नहीं, या जहाँ नहीं बुलाते हैं तो उसमें भी वहाँ पर मन में जो है मालिन्य भाव नहीं रखना, प्रज्ञा अच्छा ज्ञान होने पर भी उसका अहंकार नहीं करना, अज्ञान ज्ञान यदि कम भी है तो भी उस समय में अपने कर्म का उदय मान करके उसमें मन में खेद उत्पन्न नहीं होना, कोई कुछ बोल देता कभी तो उस समय में कुछ आता ही नहीं है ऐसा भी सुन करके मन में खेद उत्पन्न नहीं होना, आदर्शन जो मोक्ष मार्ग है उसमें आस्था से चलित नहीं होना, तो इसमें अदर्शन करता जासी ने एक बार किया था कि ना दर्शन इति अदर्शना, जो अन्य मत हैं उनके प्रति जो है वहाँ पर अन्य आस्था का भाव या उनसे प्रभावित नहीं होना। तो इस प्रकार से ये 22 परिचय होते हैं। आचार्य जी कहते थे कि ये परिचय जो हैं हम पर हावी ना हो, हम उन पर हावी हों, इसीलिए जहाँ प्रतिकोण पाठ आदि में आता है परिषहाण उरंदेन्तु, यानी परिषयों के लिए अपनी छाती देते हैं, यानी उनके सामने वहाँ पर हृदय से उसको स्वीकार करते हैं। अब इनमें कौन कौन से गुणस्थान में कितने परिचय होते हैं ये 3 सूत्रों में बतला रहे हैं। सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त बीतरागियोस चतुर्दश, हाँ सूक्ष्म सांप्राय 10वां गुणस्थान होता है और छदमस्त बीतराग ये 11वें 12वें गुणस्थान के नाम है, तो जो बीतराग क्योंकि उनकी कषायों का अभाव हो गया है तो उनके 14 परिचय संभव होते हैं। फिर इसके बाद में एकादश जिने, हाँ जिनेन्द्र भगवान में 11 परिचय संभव हैं, लेकिन यहाँ जो 11 परिचय वेदनी संबंधी होते हैं वो कुछ भी करने में समर्थ नहीं होते क्योंकि भगवान ने मोह पर विजय प्राप्त कर ली है, इसीलिए प्रमेय कमल मार्तंड जो ग्रंथ है उसमें इसकी एकेन अधिका ना दस इति एकादश, यानी एक धन आधन दस, तो 10 यानी ये परिचय उनके नहीं होते हैं ऐसा अर्थ भी निकाला जाता है, क्योंकि वेदनी का सद्भाव है इसलिए उनके वो परिचय माने जाते हैं लेकिन वास्तव में वो कुछ करने में समर्थ नहीं होते हैं। और श्वेतांबरों ने इसी को लेकर के कि भगवान भोजन भी करते हैं, भगवान को रोग भी होते हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने उनमें वहाँ पर जो अपन ने पढ़ा था वहाँ पर उनके ऊपर दोषप्रद जो है उनको कहा जाता है अवर्णवाद, उनका केवली अवर्णवाद के रूप में देखा था। अब इसके बाद में सारे परिचय कहाँ होते हैं, तो बादर सांप्राय सर्वे,
आप शुभ संप्राय दसवा गुण स्थान है तो नवा गुण स्थान बादर संप्राय, तो केवल नवा नहीं वहाँ पर छठे से लेकर नवे तक ये सारे जो हैं ये बादर कषाय से युक्त हैं, तो इसलिए यहाँ पर सारे परिचय होते हैं। तो उसमें छठे सातवें में सारे होते हैं, आठवें नवे में वहाँ पर अदर्शन को छोड़ करके 21 होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के बादर में ऐसा सभी परिचयों को ग्रहण किया है। अब पांच सूत्र में चार सूत्रों में तो पहले कौन सा परिचय कौन से कर्म के उदय से होता है और इसके बाद में एक साथ में कितने परिचय होते हैं, तो उसके लिए जाना वर्णे प्रज्ञा ज्ञाने, हाँ जाना वर्ण के सद्भाव में प्रज्ञा और अज्ञान परिचय होते हैं, तो एक एक ही कर्म से दोनों, हाँ जिसमें जो ज्ञान जिसका है क्षयोपशम है उसमें प्रज्ञा हो जाता है, जिसका क्षयोपशम नहीं है उसमें अज्ञान परिचय हो जाता है, तो इसलिए दोनों परिचय ये ज्ञानावरणी के उदय से होते हैं। फिर दर्शन मोहांत रायो रदर्शना लाभौ, हाँ इसमें जो है अदर्शन निकालना है तो रदर्शन पढ़ेंगे तो निकलेगा, नहीं तो अपन ने राय योर कर दिया आपने तो वो ठीक नहीं, इसमें यो रदर्शना लाभ ऐसा पढ़ना है। तो दर्शन मोहनी और अंतराय के सद्भाव से क्रम से अदर्शन और अलाभ परिचय होते हैं। अब इसके बाद में चारित्र मोहनी से साथ होते हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं चारित्र मोहे नाग्न्या रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा, हाँ तो चारित्र मोहनी के सद्भाव से नाग्न्य अरति स्त्री निषद्य आक्रोश याचना और सत्कार पुरस्कार ये सात परिचय होते हैं। अब बाकी के सारे जो परिचय हैं वो वेदनी के हिस्से में हैं, तो वेदनीय शेषाह, हाँ बाकी के जो हैं 11 परिचय वेदनी के सद्भाव में होते हैं, तो क्षुधा तृषा आदि जो वेदनी के सद्भाव में, इसमें क्षुधा जो होती है वो असाता के उदय में विषम भूख लगती है, यानी जो सामान्य नहीं होकर के विषम भूख लगती है, और साता के उदय में प्रशस्त भूख लगती है, समय पर भूख लगती है, तो जहाँ भूख नहीं लगती वो भी जो है पीड़ा के लिए कारण हो जाता है, वैद्य आदि से बताते हैं भूख नहीं लग रही है तो वो भी जो एक प्रकार का रोग हो जाता है, तो उसके लिए भी वहाँ पर असाता का जो उदय रहता है तो वो उसमें नहीं लगती, साता के उदय में ही प्रशस्त भूख लगती है। अब इसमें एक साथ में कितने परिचय हो सकते हैं, तो एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन नई कौन विंसते, हाँ एक साथ में एकात्मा में एक से लेकर के 19 तक परिचय विकल्प से हो सकते हैं, तो उसमें शीत और उष्ण जो है उनमें से एक ही परिचय होगा, तो वो हो गया। अब इसी प्रकार से सैयाचर्या निषद्या, यानी या तो सो रहे होंगे या चल रहे होंगे या बैठे होंगे, तीनों काम एक साथ तो हो नहीं सकते हैं, इसलिए तीन में से एक होगा, और बाकी के शेष जो हैं 17 एक साथ हो सकते हैं, तो इसलिए इसमें जो है 19 परिचय एक साथ में ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। अब इसके बाद में जो सूत्र था दूसरा सूत्र, उसमें परिचय जय चारित्रयी, तो चारित्र का वर्णन अब प्रारंभ होता है। सामयिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम, हाँ पांच चारित्र हैं, सामयिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्या, धवला में जो है चार चारित्र बतलाए हैं, वहां पर सामयिक और छेदोपस्थापना को एक में ही ग्रहण किया है। तो सामयिक क्या कहलाता है, जहाँ सारे पापों का त्याग किया जाता है वो सामयिक चारित्र कहलाता है, और उसमें छेदोपस्थापना जहाँ पर कुछ दोष लगते हैं तो उनको दूर करके पुनः जो है सामयिक चारित्र को प्राप्त करना, तो वो छेदोपस्थापना कहलाता है। जो परिहार विशुद्धि होता है जहाँ पर प्राणी हिंसा की पूर्ण वृत्ति हो जाती है, जो 30 वर्ष के बाद में दीक्षित होकर के प्रत्याख्यान पूर्व का केवली के तीर्थंकर के पादमूल में अध्ययन करते हैं उनको ये चारित्र प्राप्त होता है, तो परिहार विशुद्धि होता है। तो उसमें सामयिक छेदोपस्थापना अपन ने 24 ठण में पढ़ा था कि ये 6 से 9 तक होता है, परिहार विशुद्धि 6 और 7 में ही होता है। फिर सूक्ष्म संप्राय जहाँ पर कषायती सूक्ष्म रह जाती है तब वो 10वें गुण स्थान का चारित्र, और यथाख्याचर्य जहाँ मोनी के संपूर्ण 6 से जो आत्मा का जैसा स्वभाव है वैसा प्रकट होता है, तो ये 11वें से 14वें गुण स्थान में यथाख्याचरित्र माना जाता है।
जो परिहार विशुद्धि वाले मुनिराज रहते हैं वो प्रतिदिन 2 कोस विहार करते हैं और संध्या काल में विहार नहीं करते, मतलब संध्या काल जो रहते हैं वो सामायिक के लिए होते हैं, उसमें विहार नहीं करते। इनका वर्षा काल में भी विहार का निषेध नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा किसी जीव का घात नहीं होता, इनको ज्ञान रहता है, तो इसके माध्यम से ये प्रतिदिन जो है विहार करते हैं। यहाँ अपन सामायिक शब्द जो आया है उसमें सामायिक एक शिक्षा व्रत के रूप में भी होता है, जो दूसरी प्रतिमा में, तो उसमें अभ्यास रूप से वहाँ सामायिक करते हैं। फिर एक सामायिक प्रतिमा तीसरी प्रतिमा होती है, वो व्रत रूप होती है। फिर एक सामायिक आवश्यक होता है, जो मुनिराजों का आवश्यक होता है, तो उसमें छठे सातवें गुण स्थान में, और एक सामायिक चारित्र जो होता है वो जीवन पर्यंत रहता है। तो वो जो है इस प्रकार से इनमें अंतर समझ सकते हैं। अब जो दूसरे सूत्र के बाद में तीसरा सूत्र आया था, तपसा निर्जरा च, तो अब तप का वर्णन, तो ऐसे व्यवस्थित सूत्र हैं कि थोड़ा सा यदि ध्यान दिया जाए तो अपन इनका स्मरण रख सकते हैं। तो अब तप का जो है प्रकरण प्रारंभ होता है, अंशनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यन तपह। हाँ, तो अनशन यानी ना आसन, जहाँ इसको उपवास भी कहा जाता है, तो उसमें इंद्रियों और मन का प्रवास बंद होना, यानी उसमें बाहर भेजना उनका बंद कर देते हैं, उपमें वास करते हैं। अवमोदर के लिए भी बताया था कि अपने उदर से कम भोजन करना। प्रति परिसंज्ञान, जहाँ कोई आंकड़ी आदि लेकर के निकलते हैं। रस, जो प्रीति को बढ़ाने वाले होते हैं उनका त्याग करना। मूलाचार में 4 प्रकार के रस बतलाए हैं, तो उसमें एक रस जो है गोरस, फिर एक इक्षु रस, एक धान्य का रस और एक फलों का रस, ऐसे 4 प्रकार के रस वहाँ बतलाएं। फिर विविक्त शय्यासन, एकांत में शयन और आसन लगाना, और काय क्लेश, जिसमें जो खड़े होकर के धूप आदि में भी, बरसात आदि में भी जो किया जाता है, तब वो काय क्लेश। इसमें काय क्लेश में ध्यान करें कोई जरूरी नहीं, वहाँ पर अनुप्रेक्षाओं का चिंतन भी कर सकते हैं, लेकिन काय के प्रति ममत्व का त्याग उसमें मूल भाव रहता है। तो ये इसमें बाह्य तपों का वर्णन है, तो बाह्य तप जो है बाह्य द्रव्य के आलंबन से होते हैं, दूसरों को दिखलाई भी देते हैं, और जो बाह्य तप होते हैं वो अभ्यंतर तप को बढ़ाने वाले होते हैं। इसलिए कुंथुनाथ भगवान की स्तुति में बाह्यन तपह परम दुश्चर्मा चरणस्थ माध्यात्मिकस्य तपसा परिप्रंगणार्थम, जो माध्यात्मिक यानी आध्यात्मिक अभ्यंतर तप हैं उनकी वृद्धि के लिए होते हैं। और अभ्यंतर तप जिनका वर्णन अपना आगे देख रहे हैं, तो उनमें बाह्य द्रव्य की अपेक्षा नहीं होती और उसमें मानसिक क्रिया की प्रधानता होती है। तो अब अभ्यंतर तप के बारे में, प्रायश्चित विनय वैयावृत्त स्वाध्याय वित्सर्ग ध्यानान्युत्तरम्। हाँ, अब इसमें अपन ने बाह्य तप देखे, तो बाह्य तप में जो उपवास किया जाता है तो उसके माध्यम से ध्यान और आगम की सिद्धि होती है। उपवास के समय में ध्यान आदि, जहाँ समदभद्र स्वामी ने भी एकासन उपवास में सामायिक को बढ़ाने के लिए कहा था, और राग का नाश भी होता है और संयम की सिद्धि होती है। फिर उपमोदर जो होता है उसमें संयम की जागृति और स्वाध्याय की सिद्धि, संतोष के लिए उनोदर तप किया जाता है। जहाँ वृत्ति परिसंख्यान होता है वो आशा की निवृत्ति और परम संतोष की सिद्धि के लिए किया जाता है। रस परित्याग जो होता है वो निद्रा पर विजय करने वाला होता है, और उसमें भी इंद्रियों पर भी विजय होती है और स्वाध्याय की सिद्धि के लिए, तो सब जो हैं स्वाध्याय के लिए सभी तप सहकारी होते हैं। फिर विविक्त शय्यासन, जहाँ पर एकांत में ब्रह्मचर्य स्वाध्याय ध्यान आदि की सिद्धि के लिए किया जाता है। और काय क्लेश जो होता है, जो शरीर के प्रति आसक्ति को दूर करने के लिए और कभी कभी प्रवचन प्रभावना के लिए, धर्म की प्रभावना के लिए भी किया जाता है। जहाँ अपन अभ्यंतर तप देख रहे थे, तो प्रायश्चित के लिए प्रमाद से लगे दोषों को दूर करना प्रायश्चित कहलाता है। तो इसमें जहाँ दोषों का शोधन होता है, भावों में निर्मलता आती है, और प्रायश्चित लेने के लिए जब जाते हैं, तो आचार्य के पास जब जाते हैं, तो यदि महिला वर्ग जाता है तो कम से कम 2 लोग रहे, पुरुष वर्ग जो है अकेले भी प्रायश्चित ले लेते हैं। विनय, जिसमें ज्ञानादि का बहुमान है, जैसे इनका आगे वर्णन आएगा, तो पूज्य पुरुषों का आदर जो है वो विनय प्रायश्चित कहला, विनय जो है इसमें अभ्यंतर तप के रूप में। फिर इसमें ये विनय जो होती है, इससे भी ज्ञान की प्राप्ति, क्योंकि विनयेण शुद्ध मदिदम यदि प्रमादेण भी विस्तृतम, यानी उसमें
विनय के साथ में जब सुत का अध्ययन किया जाता है, प्रमाद के कारण भूल भी जाओ तो उसमें कहा कि वो पुनः प्राप्त हो जाता है और केवल ज्ञान को भी आमंत्रण करने की उसमें सामर्थ्य होती है। और विनय के साथ में वहाँ पर सम्यक आराधना की सिद्धि भी होती है, आचार्य की विशुद्धता भी होती है। बह्य वृत्ति जहाँ सेवा करते हैं तो उससे जो सेवा करने वाले होते हैं उनकी ग्लानी पर विजय प्राप्त होती है। जो ग्लानी करता है वो सेवा नहीं कर सकता, तो उसमें ग्लानी का भाव होता है और उसमें प्रवचन वात्सल्य, धार्मिक बंधुओं के प्रति जो है वात्सल्य का भाव भी होता है। स्वाध्याय जहाँ ज्ञान की भावना से आलस्य का त्याग किया जाता है वो स्वाध्याय कहलाता है। तो उसमें बुद्धि में अतिशय प्रकट होते हैं, संशय दूर होते हैं और संसार आदि से विरक्तता आती है। इस प्रकार से ये स्वाध्याय के फल हैं। व्युत्सर्ग जहाँ पर अहंकार और ममकार का त्याग किया जाता है तो उससे निर्भयता, निस्संगता आदि का अभाव होता है। और ध्यान आखिरी जो अभ्यंतर तप है जिसका विस्तार से आगे वर्णन आएगा, तो उसमें चित्त की चंचलता का त्याग होता है और इसका फल कर्मों का क्षय होता है। अब इनमें ध्यान के पहले पहले इनके उत्तर भेदों की संख्या बतला रहे हैं। नव चतुर्दश पंचद्विभेदा यथाक्रमं प्राग ध्यानात्। हाँ, ध्यान का विस्तार से वर्णन है इसलिए ध्यान को छोड़ करके उनके पहले के, तो उसमें प्रायश्चित के 9 प्रकार, फिर विनय 4 प्रकार की और 10 प्रकार के पात्रों के अनुसार बह्य वृत्ति, और स्वाध्याय के 5 भेद और विस्तर के 2 भेद, ऐसे क्रम से इनके बतला रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले प्रायश्चित के आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक विसर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापना। हाँ, इसमें किताबों में आलोचना भी छपा रहता है और पूज्यपाद स्वामी ने आलोचन लेकर के किया है, तो दोनों पाठ पढ़ सकते हैं। तो आलोचना क्या कहलाती है? गुरु के समक्ष अपने दोषों का निवेदन करना। फिर प्रतिक्रमण, जो भूतकाल में दोष लगे हैं, मेरे दोष मिथ्या हों ऐसे भावों से वचनों से प्रकट करना, वो प्रतिक्रमण कहलाता है। तदुभय, आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों एक साथ किए जाते हैं। विवेक, जहाँ पर पात्र उपकरण अन्न आदि का त्याग किया जाता है वो विवेक नाम का प्रायश्चित कहलाता है। विसर्ग, जहाँ नियमित काल के लिए कायोत्सर्ग करना, तप उसमें अनशन आदि ये प्रायश्चित के रूप में दिए जाते हैं, वो तप। फिर छेद, जहाँ कुछ समय के लिए दीक्षा का छेद करना या जो कोई जो ऊपर वाले हैं उनको नीचे कर देना, ऐसा ये छेद प्रायश्चित। परिहार यानी कुछ समय के लिए संघ से दूर रखना। और उपस्थापना, जहाँ पर पूर्ण दीक्षा छेद करके और पुनः दीक्षा प्राप्त करना, ये 9 प्रकार के प्रायश्चित होते हैं। अब 4 प्रकार के विनय के लिए ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः। हाँ, ज्ञान विनय यानी ज्ञान का ग्रहण अभ्यास स्मरण, ये ज्ञान की विनय है। फिर दर्शन, इसमें तत्वार्थ का सिद्धांत, ये दर्शन विनय। फिर निर्दोष चारित्र का पालन, जो चारित्र है उसके गुणों का स्मरण करना, ये 3 जो है पहले वाले इसमें गुणों की ओर दृष्टि है। और उपचार विनय में गुणी जो इनसे युक्त होते हैं उन पूज्य पुरुषों के प्रति विनय का भाव, वो उपचार विनय कहलाती है। अब 10 प्रकार के पात्र होते हैं, उनकी बह्य वृत्ति की जाती है, तो उनके अपेक्षा से बह्य वृत्ति के 10 भेद बतला रहे हैं। आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम। हाँ, आचार्य वो कहलाते हैं जिनके पास जाकर के व्रतों का आचरण किया जाता है। उपाध्याय, जो शुद्ध का अध्ययन कराते हैं। और तपस्वी, जो महान उपवास आदि करते हैं। शैक्ष, जो शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं, शिक्षाशील होते हैं। ग्लान, जो रोग से युक्त मुनिराज होते हैं। फिर गण, जहाँ वृद्ध मुनियों का जो समुदाय होता है वो गण कहलाता है। कुल, जो एक आचार्य के शिष्यों का समुदाय है वो कुल कहलाता है। फिर संघ, जहाँ पर 4 वर्ण के मुनियों का जो समूह होता है, तो उसमें ऋषि, यति, मुनि, अनगार, इस प्रकार से 4 भेद होते हैं। फिर साधु, जो चिरकाल से दीक्षित होते हैं। और मनोज्ञ में लोक सम्मत साधु आते हैं, और साथ साथ में जो दीक्षा के अभिमुख हैं वो ब्रह्मचारी आदि भी इसमें पात्र होते हैं बह्य वृत्ति के। तो इस प्रकार से ये भेद हो जाते हैं। जहाँ जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं उनमें एक कहलाते हैं राजर्षि,
तो राजर्षि कौन से कहलाते हैं? जिनके पास में विक्रिया रिद्धि और अक्षीण रिद्धि और महानस ये रिद्धियाँ होती हैं, तो वो राजर्षि कहलाते हैं। फिर ब्रह्मर्षि जिनके पास में बुद्धि और सर्वौषधि होती है, जो वो ब्रह्मर्षि कहलाते हैं। और जो चारण रिद्धिधारी होते हैं उनको देवर्षि कहते हैं। और स्वस्तिक क्रियासु परमर्षयो न, परमर्षि जो है वहाँ पर केवल ज्ञानी को कहा जाता है। अब पांच प्रकार के स्वाध्याय के लिए कह रहे हैं, वाचना प्रश्नानुप्रेक्षाम नाय धर्मोपदेशाः। हाँ, पांच प्रकार के, जहाँ वाचना ग्रंथ को पढ़ते हैं उसका अर्थ बतलाते हैं, ग्रंथ अर्थ दोनों को प्रदान करते हैं, वो वाचना कहलाता है। प्रश्ना विनय पूर्वक पूछना, अनुप्रेक्षा उसका बार बार चिंतन करना, आमना है उसको दोहराना पाठ करना आदि, वो आमना कहलाता है। और धर्मोपदेश जिसमें उपदेश दिया जाता है। तो अभी हम कोई श्रावकाचार पढ़ रहे थे, स्मरण नहीं रख पाए, उसमें किसी में लिखा था कि चार प्रकार के स्वाध्याय श्रावकों के लिए होते हैं, क्योंकि श्रावक धर्मोपदेश तो देते नहीं है, तो इसलिए उसमें चार प्रकार के स्वाध्याय जो हैं श्रावकों के लिए, साधुओं के लिए पाँच प्रकार के स्वाध्याय इसमें ऐसा भेद किया था। और जो साधु के लिए वैसे आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि उनका जो जीवन रहता है इस प्रकार से अपने सारे कार्यों को करते रहते हैं, तो उनका प्रैक्टिकल स्वाध्याय चलता रहता है। और जहाँ वो प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, 24 भगवान की स्तुति, जो समतभद्र स्वामी का स्वयंभू स्तोत्र है उसमें इतना रहस्य, इतने अर्थ हैं, तो उनका यदि पाठ यदि उससे किया जाए अर्थ समझते हुए, तो उसमें ही स्वाध्याय हो जाता है। इसलिए कुंदकुंद स्वामी ने भी नियम सार में कहा है कि इसके माध्यम से ही उनका स्वाध्याय हो जाता है, उनके लिए वो आवश्यक में नहीं है, इनके माध्यम से भी स्वाध्याय कर लेते हैं। फिर अगला जो है विस्तर तब बाह्याभ्यंतरो पद्यो, बाह्य और अभ्यंतर उपदि परिग्रह का त्याग करना, ये दो प्रकार का विसर्ग है। तो बाह्य में जो आत्मा से भिन्न है ऐसे सब पदार्थों का त्याग करना, अभ्यंतर में जो क्रोधादि रूप आत्मभाव होते हैं उनका त्याग करना, शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करना। जहाँ कायसर किया जाता है उसमें खड़े होकर के कायसर कर रहे हैं और भावों से भी खड़े हैं, वो उत्थित उत्थित कहलाता है। उसमें खड़े हुए हैं लेकिन वहाँ पर यदि आर्द्र ध्यान चल रहा है तो वो उत्थित उपविष्ट कहलाता है। फिर उपविष्ट उत्थित बैठे हुए हैं लेकिन भावों में जो है वहाँ पर धर्म ध्यान चल रहा है तो वो उत्थित उपविष्ट कहलाता है। और उपविष्ट उपविष्ट बैठे भी हैं और भावों से भी बैठे, यानी बैठ करके भी वहाँ पर आर्द्र ध्यान चल रहा है तो वो उपविष्ट उपविष्ट कहलाता है। तो इस प्रकार से ये इसमें दो जो हैं अच्छे जने भावों से, भले ही शरीर कैसा भी हो, भावों से आर्द्र ध्यान से ऊपर उठना। हाँ, अब इसके बाद में ये जो है उनका जहाँ तक वर्णन पाँच का हो गया, अब इसके बाद में तीन सूत्रों में ध्यान का वर्णन प्रारंभ होता है। तो उसमें सबसे पहले उत्तम संघ नणस्य एकाग्र चिंता निरुदो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। आप लोगों ने सा के ऊपर बिंदी को जो है समझते ही नहीं, कुछ उसको गिनती नहीं करते, संघनन बोलना चाहिए। आप लोग जो सहनन बोलते हो, सहनन में क्या बिंदी का उच्चारण ही नहीं होता, तो संघनन आता है उसमें। जब हा सामने है तो वो बिंदी का, जैसे आप सिंह बोलते हैं, सिंह सिंह बोल सिंह बोलेंगे, कैसे बोलते हैं, सिंह नहीं होता, सिंह होता है। तो इसलिए जो है उसमें उसकी बिंदी का उच्चारण भी होना चाहिए। तो उत्तम संघनन से एकाग्र चिंता निरुदो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। अभी कुछ लोगों का जो है संस्कार जो है उसमें बीच में बाधा कर रहा है, वो बहुत पुराना सीखा है महाराज, इतनी जल्दी कैसे छोड़ दें, तो वो होता है। तो इसमें उत्तम संघनन वालों का एक विषय में अपनी चित्त वृत्ति को रोकना ध्यान कहलाता है, चिंतन ध्यान नहीं कहलाता। ध्यान में तो वहाँ पर चित्त को एक विषय में रोका जाता है, और वो कितना होता है, अंतर्मूर्त काल तक, अंतर्मूर्त बस, उससे ज़्यादा एक विषय पर चिंतन नहीं रह सकता। तो इसमें ध्याता यानी ध्यान करने वाला तो कौन है, वो उत्तम संघनन वाला। शुरू के तीन संघनन जो हैं, जो एक तो जो है छपक श्रेणी पर चढ़ जाते हैं और बाकी के दो जो हैं वो उपशम श्रेणी पर भी चढ़ जाते हैं, तो वो होना चाहिए। फिर थे जिसका ध्यान तो एकाग्र यानी प्रधान विषय पर, और ध्यान यानी उसमें व्यग्रता का अभाव हो, और कितने देर तक काल बता दिया है इसमें, तो अंतर्मूर्त से ज़्यादा नहीं टिकता। तो जघन्य में जो एक आवली एक समय और उत्कृष्ट में 48 मिनट में एक समय कम, इतने जो है इसके असंख्यात भेद बन जाते हैं। अब ये ध्यान जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो उसके लिए कह रहे हैं आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि।
हाँ ये चार हो गए धर्म। तो आर्त जो कहलाता है वहां पर पीड़ा का भाव जो है वो आर्त कहलाता है। रौद्र यानी क्रूराशय, तो पाप में आनंद मानना। फिर धर्म, जो धर्म से एक परिणाम है वो धर्म ध्यान, और शुक्ल जहाँ शुद्ध परिणाम होते हैं। तो इसमें जो धर्म ध्यान होता है वो परंपरा से मोक्ष का कारण होता है, और शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण होता है। और जो दुर्ध्यान होते हैं वो पापाश्रव के कारण होते हैं। तो इसमें ये इसके लिए बता रहे हैं आगे कि किस किस के कारण होते हैं। तो परे मोक्ष हेतु, हाँ परे शब्द से यानी आगे के दो ध्यान जो है वो मोक्ष के कारण है। तो उसमें शुक्ल ध्यान साक्षात कारण है, लेकिन धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण है। इसी से ये भी अर्थ निकाल लेते हैं अर्थापत्ति में कि दो को बता दिया कि ये मोक्ष के हेतु हैं, तो अर्थापत्ति में जो रह गए हैं दो ध्यान वो अपरे संसार हेतु, ऐसा सूत्र बना सकते हैं अपन अपने समझने के लिए कि बाकी के जो पहले दो ध्यान हैं वो संसार के कारण हैं। नहीं, वो भी थोड़ी थोड़ी देर में परिवर्तन होते रहते हैं उनमें भी, अंतर्मुख से ज़्यादा कोई चीज़ टिकती नहीं है। अपने को लगता जरूर है आर ध्यान बहुत लंबे समय चला, लेकिन उसमें भी वैरायटियाँ बहुत होती रहती हैं, उसमें भी परिवर्तन होता रहता है। कोई भी चीज़ में ध्यान की बता दिया कि किसी एक विषय पर आप ज़्यादा देर अंतर्मुख से ज़्यादा टिक ही नहीं सकते, उसमें परिवर्तन आएगा ही आएगा। ये मन का स्वभाव है, कषायों का भी ऐसे ही रहता है। कषायें जो हैं, एक कषाय अंतर्मुहूर्त के बाद में परिवर्तन होगी ही होगी, तो उसमें ये स्वभाव है, मतलब इस प्रकार का परिवर्तन होता रहता है। तो ऐसी ध्यान में भी वहाँ पर चलता रहता है। तो जहाँ अभी अपन इसमें देखेंगे जो मुनियों के लिए भी ध्यान होता है, श्रावकों के लिए भी जो है धर्म ध्यान में भी वहाँ पर जो यानी आर्त ध्यान जो है मुनियों को भी होता है, साथ साथ में जो सम्यक दृष्टि उनको भी आर्त ध्यान होता है। तो उसमें आर्त ध्यान में भी प्रशस्त आर्त ध्यान होता है। प्रशस्त आर्त ध्यान कैसा, जैसे साधुओं के पास में कोई माला टूट गई, कोई जो है पुस्तक फट गई, तो उसको लेकर के मन में जो है खेद दुख हो सकता है, गुम हो गई उसके कारण भी हो सकता है। फिर जो ये तो जो है प्रशस्त कहलाता है, और बाकी सब चीज़ों के लिए जहाँ पर अपन सोचें तो वो अप्रशस्त कहलाता है। अब इनमें चार पांच सूत्रों में पहले चार भेद हैं और एक उसमें स्वामी है, ऐसे पांच सूत्रों में अब आर ध्यान का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। तो आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। हाँ आर्त पहला, फिर उसमें क्या बोला, ममनोज्ञस्य, ममनोज्ञस्य मतलब अमनोज्ञ। तो अमनोज्ञ के पदार्थ का संबंध होने पर उसके विप्रयोगाय, उसको दूर करने के लिए सतत चिंतन चलता है, वो प्रथम आर्त ध्यान है। तो उसमें बतलाया था पहले कि जैसे बच्चे की संगति बिगड़ गई है तो मन में लगता है कि इसकी संगति कब छूट जाए, कब छूट जाए, कुछ संगति से दूर हो जाए, तो वो भी वहाँ पर ये वाला आर्त ध्यान हो गया। और घर में जो रहते हैं उनको कहीं कोई लत आदि लग जाती, कोई जर्दे की, कोई चाय देखने की, इन चीज़ों की, चाय पीने की आदि की, तो उसमें भी वो दूर नहीं हो, यानी हो जाए ऐसा भाव मन में बना रहता है। तो वो भी जो है इसी प्रकार से अपन उसको ले सकते हैं। फिर इसके बाद में दूसरा जो होता है विपरीतम मनोज्ञस्य, हाँ इसमें जो है इसके विपरीत, तो क्या हो गया, मनोज्ञ वस्तुओं के वियोग होने पर उनकी प्राप्ति के लिए सतत चिंतन करना, वो दूसरा आर्त ध्यान है। तो उसमें कोई का वियोग हो जाता है, जैसे कहीं कोई बिछड़ जाते हैं, तो फिर उनके लिए सतत बार 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 जो है मन में चलता रहता है। तो ये जो है दूसरे प्रकार का। तीसरा है वेदनायाश्च, हाँ वेदना से उत्पन्न होने वाला, तो उसके माध्यम से जो रोग दूर कब होगा ऐसा भी सतत चिंतन चलता रहता है, तो वो तीसरा आर्त ध्यान है। तो ये तीन जो हैं मुनियों को भी होते हैं। निदानंच, हाँ और निदान जो होता है उसमें आगे भोगों की प्राप्ति के लिए मन में चिंतन चलता रहता है, वो निदान नाम का आर्त ध्यान क्या। अब ये किनके होते हैं, इनके स्वामी को बता रहे हैं। तदा विरत देश विरत प्रमत्त संहिता नाम, हाँ तो अविरत यानि चार गुण स्थान तक, फिर देश विरत यानि पांचवें गुण स्थान में, और प्रमत्त संहिता नाम तो छठे गुण स्थान तक, अप्रमत्त हो जाते हैं तो फिर आर्त ध्यान नहीं होता। तो इसमें मुनिराजों के लिए भी जो है तीन हो सकते हैं, निदान उनको नहीं होता। अब पांच सूत्रों में आर्त ध्यान का वर्णन किया, क्योंकि व्यक्ति जो है अधिकतर दुखी बना रहता है, तो उसमें उसके लिए यहाँ विस्तार से समझाया। अब एक सूत्र में
रौद्र ध्यान का वर्णन कर रहे हैं। जो पापों में हर्षित होते हैं वो क्रूर आशय वाला रौद्र ध्यान कहलाता है। तो उसके लिए हिंसा नतस्तेया विषय संरक्षणेभ्यो रौद्र मविरत देश व्यर्तयो। हाँ, तो इनसे हिंसा अनरत यानी असत्य, फिर स्ते यानी चोरी और विषय संरक्षण, इनके लिए सतत चिंतन करना ये रौद्र ध्यान है। और ये कहाँ होता है? अविरत और देश विरत, तो उसमें केवल अणुवृत्ति तक होता है, अविरत यानी चौथे गुण स्थान तक और देश विरत, तो उसमें कहाँ तक? जिसके पास में आचार्य जी कहते थे कि जब तक चाबी है तब तक रौद्र ध्यान है संरक्षण। चाबी कौन रखेगा? ताले में लगा करके, तो तब तक जो है ये रौद्र ध्यान रहता है। तो इस प्रकार से ये रौद्र ध्यान यानी जब तक आरंभ सारंभ चलता रहता है तब तक रौद्र ध्यान विद्यमान रहता है। इनके बारे में तो कई बार चर्चा हो चुकी है, इसलिए इतना ही रख करके आगे चलते हैं। अब आर ध्यान रौद्र ध्यान हो गया, इनके स्वामी भी बतला दिए, लेकिन धर्म ध्यान का वर्णन कर रहे हैं, उनके भेद बता रहे हैं, लेकिन स्वामी नहीं बता रहे हैं। तो उसमें आज्ञा पाए विपाक संस्थान विचियाय धर्म्यम। हाँ, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, ये चार धर्म ध्यान है। तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को प्रमाण मानना, जिनेंद्र भगवान ने जो जो बतलाया है उन सब कार्यों को करते हुए आप पूजा भी कर रहे हैं तो आज्ञा विचय धर्म ध्यान का पालन कर रहे हैं। एक दिन हमने बताया था शाम के समय में अंधेरे के पहले भोजन कर रहे हैं, वो भी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन है। तो हर कार्य जो है आप सावधानी पूर्वक घर के कार्य भी कर रहे हैं, वो भी जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, तो वो भी जो है ध्यान है। इस प्रकार से आज्ञा विचय का बहुत विस्तार है। फिर अपाय विचय, जहाँ सभी प्राणियों के प्रति उनको लिए भी समीचीन मार्ग मिले ऐसी जो भावना से चिंतन किया जाता है वो अपाय विचय। जहाँ विपाक विचय में कर्म के फल का चिंतन किया जाता है वो विपाक विचय। और लोक के आकार संस्थान आदि का विचय जो है ध्यान किया जाता है वो संस्थान विचय कहलाता है। तो इस प्रकार से ये अब यहाँ इसमें जो इनके स्वामी ने बतलाए हैं, तो यहाँ आचार्य जी कहते थे कि आर ध्यान रौद्र ध्यान को छोड़ करके और जब तक इनसे ऊपर उठ करके और जब तक शुक्ल ध्यान नहीं होता तब तक वो धर्म ध्यान मान सकते हैं। और जब अपन ध्यान से आप लोग सुन भी रहे हैं तो ये भी जो है ध्यान चल रहा है, यानी यहाँ पर ध्यान पूर्वक सुनना भी है, जिन्हें भगवान की वाणी के बारे में बतलाया जा रहा है, तो ये भी आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। अब शुक्ल ध्यान का वर्णन विशेष रूप से यहाँ वर्णन किया गया है, तो उसमें सबसे पहले शुक्ल ध्यान के स्वामी बतला रहे हैं। शुक्ले चाद्य पूर्विदः। हाँ, शुक्ल में आगे के जो दो ध्यान हैं वो पूर्वविद यानी जब पूर्वों का ज्ञान हो जाता है उनके लिए शुक्ल ध्यान होता है, और आगे के जो दो ध्यान हैं उनके लिए परे केवलिनः। हाँ, आगे के जो दो हैं वो केवली के होते हैं, तो 13वें 14वें गुण स्थान में जो ध्यान होते हैं वो केवली को होते हैं। अब इनके नाम बतला रहे हैं, तो पृथक त्वेकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती विपरत क्रिया निवर्तिनी। हाँ, इसके उच्चारण में पृथक अकेला बोलो, पृथक त्वेकत्व तो सही उच्चारण आ जाएगा इसका। हाँ, पृथक त्वेकत्व ऐसा बोलोगे तो सही उच्चारण हो जाएगा। तो इसमें पृथक्त वितर्क और एकत्व वितर्क और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विपरीत क्रिया निवृत्ति, ऐसे चार शुक्ल ध्यान होते हैं। अब इनमें कौन कौन से शुक्ल ध्यान में कौन कितने योग होते हैं, तो उसके लिए एक सूत्र में त्रेक योग काय योगा योगा नाम। हाँ, पहला जो शुक्ल ध्यान होता है वो 11वें गुण स्थान तक होता है, तो उसमें 3 योग होते हैं। फिर उसके बाद में 1 योग, कोई 3 में से 1 योग वाले के लिए दूसरा शुक्ल ध्यान। फिर इसके बाद में काय योग वाले यानी जो केवली का, जब उनकी वाणी नहीं खिरती और उनका बिहार आदि भी नहीं होता तब उस समय में केवल काय योग रहता है, मनोयोग तो वहाँ पर वैसे देखा जाए तो केवल अपन वहाँ उनके लिए वचन मनोयोग पूर्वक होते हैं इसलिए लगा रहे हैं, लेकिन उनका जब बिहार आदि सब छूट जाता है बल्कि उनका सूक्ष्म कायोग हो जाता है तब उनका होता है, इसलिए कायोगियों के लिए। और जो अयोग केवली होते हैं उनका योग समाप्त हो जाता है, तो चौथा शुक्ल ध्यान अयोगी को होता है। अब इनमें
पहले जो है दो ध्यान के लिए बता रहे हैं, एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे। हाँ, पहले के जो दो ध्यान हैं उसमें एक आश्रय को लेकर के होते हैं, और सवितर्क यानी जहाँ वितर्क की परिभाषा आएगी, और विचार इससे सहित होते हैं। पूर्वे यानी पूर्व के दो, तो उसमें दोनों के लिए समान कह दिया, तो उसमें एक अपवाद सूत्र यानी दूसरा जो शुक्ल ध्यान है वो अविचार होता है, विचार नहीं होता, तो उसके लिए कह रहे हैं अविचारम द्वितीयम। हाँ, पहला तो विचार है लेकिन दूसरा वाला अविचार है, तो उसको निषेध करके दूसरा ध्यान अविचार है। अब इनमें वितर्क और सुतर्क के दो शब्द नए आए हैं, तो उसके लिए बतला रहे हैं वितर्क श्रुतम। हाँ, वितर्क अर्थ होता है श्रुत, यानी जिसमें विशेष चिंतन चलता है, विशेष तर्कणारूप विचार होता है, वो वितर्क कहलाता है। फिर विचार के लिए कह रहे हैं विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति। हाँ, इसमें अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति यानी परिवर्तन जो होता है उसको विचार कहते हैं। तो उसमें अर्थ में जहाँ द्रव्य पर्याय आदि के बारे में, व्यंजन यानी शब्दों का, जैसे पहले ह्रीम है ओम है, इन शब्दों पर परिवर्तन करके, और योग में वहाँ पर मन वचन काय की क्रिया का जो है पलटना होता है, वो विचार कहलाता है। अब इन जो चार प्रकार के शुक्ल ध्यान के बाद में जो निर्जरा के क्रम हैं उनके बारे में बतला रहे हैं। तो इनमें अपन ने गुणस्थान देख लिया है कि पहला जो शुक्ल ध्यान होता है वो आठवें से ग्यारहवें गुणस्थान होता है, बारहवें गुणस्थान में दूसरा, तेरहवें के अंत में तीसरा, और चौदहवा गुणस्थान जो है अयुक्केवली को होता है। और इनमें पहले गुणस्थान का जो फल है वहाँ पर मोहनी का उपशम या क्षय होता है, और जो बारहवें गुणस्थान में वो तीन घातीय कर्मों के क्षय के लिए कारण बनता है, और तेरहवें के अंत में जो होता है वो योग का भाव करने के लिए कारण बनता है, और जहाँ चार घातीय कर्मों का क्षय चौथे शुक्ल ध्यान के माध्यम से होता है। तो जिसमें पहला जो शुक्ल ध्यान है वो तो उत्तम तीन संग्रहण के माध्यम से होता है, और बाकी के जो तीन ध्यान होते हैं वो वज्रभृषभ नाराज वालों को ही होते हैं। अब निर्जरा के क्रम बता रहे हैं, सम्यक दृष्टि श्रावक वृतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपकोप शमकोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः। हाँ, इनमें आगे आगे जो है असंख्यात गुणी असंख्यात गुणी प्रति समय निर्जरा होती है, एक गुण श्रेणी निर्जरा होती है वो गुणित क्रम में होती है, और यहाँ असंख्यात गुणी तो वो असंख्यात गुणी क्रम से होती है। तो इसमें सबसे पहले सम्यक दृष्टि को लिया है, तो उसमें सम्यक दृष्टि के लिए जहाँ निर्जरा होती है वो जो साथी से मिथ्या दृष्टि होता है उसकी तुलना में देखा जाए तो यहाँ पर इसकी असंख्यात गुणी निर्जरा, जितने समय तक वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का कार्य होता है, सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद में जैसे जो उपशम सम्यक दर्शन है तो अंतर्मूर्त तक वो निर्जरा होती है। फिर इससे ज़्यादा निर्जरा जो असंख्यात गुणी श्रावक के लिए, तो श्रावक यानि अणुवृत्ति श्रावक, उनसे असंख्यात गुणी विरत यानि मुनिराजों की, फिर उनसे असंख्यात गुणी निर्जरा अनंतानुबंधी का वियोजक, अनंतानुबंधी का वियोजक यानी अनंतानुबंधी की विसंयोजना। विसंयोजना क्या होती है? अनंतानुबंधी को अप्रत्याख्यानावरण आदि के रूप में विसंयोजित करते हैं, तो ये उनके लिए असंख्यात गुणी होती है, चारों गतियों में हो सकती है। फिर इसके बाद में दर्शन मोह क्षपक यानी जो दर्शन मोहन को क्षय करने वाला यानी सहायक छायिक समयुक्त बनाने वाला है। फिर उसके बाद में उपशामक यानी अब जो उपशम श्रेणी पर चढ़ रहे हैं उनके लिए। फिर उपशांत कषाय, तो ये ग्यारहवें गुणस्थान वाले। फिर क्षपक यानी उनसे जो है यानी जो ग्यारहवें गुणस्थान वाले हैं उनसे ज़्यादा निर्जरा जो क्षपक श्रेणी पर चढ़ रहे हैं, और जिन्होंने मोह को क्षय कर दिया है बारहवें गुणस्थान वालों की, उनकी इनसे असंख्यात गुणी, और इनसे जो बारहवें गुणस्थान वाले हैं उनसे सहयोगी जिन, उनकी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। इसमें भी जिनमें देखा जाए तो सामान्य हो गए, फिर समुद्घात केवली हो गए, समुद्घात केवली से अयोगी, इस प्रकार से इनमें भी असंख्यात गुणी होती है। अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ जो निर्जरा का क्रम बताया असंख्यात गुणी इसको समझने के लिए कि एक सेठ के पास में हरिद्वार में जहाँ मेला लगता है कुंभ का, वहाँ पर एक कोई भिक्षुक ने सेठ से कुछ मांगने के लिए गया, तो
तो सेठ ने कहा कि भाई धन कमाने में बहुत मेहनत लगती है, हम तो हमारे पास 1 रुपये आता है उसको हम 6 महीने में दोगुना कर देते हैं। तो उस भिक्षुक ने कहा कि सेठ जी ये हमारा 1 रुपया ले लो और अगले कुंभ के मेले पर हमारे लिए भी आप दोगुना दोगुना करके दे देना। और वो चला गया। अगले कुंभ के मेले पर 12 बरस के बाद में वो मिले तो उसने याद दिलाया, सेठ जी तो भूल गए थे। तो कहा सेठ जी ने कि हम सेठ से कहा कि वो पैसे दो हमारे लिए, तो सेठ ने कहा लो 15-20 रुपये ले जाओ। कहने लगे उसमें जितने बनते हैं उसमें से 15-20 कम दे देना, लेकिन हिसाब तो बराबर का होना चाहिए। तो उन्होंने कहा हिसाब करने बैठे तो 6 महीने में 1 का 2, फिर 6 महीने में 2 के 4, ऐसे करते करते 12 साल में कितने होंगे मालूम है? 12 साल में जो है 1,67,37,216 रुपये दुगने दुगने करते करते इतना अभी अब लग रहा है अपने को, करके देखना घर में जाके तब समझ आएगा। तो ये गुणित क्रम में इस प्रकार से होती है। तो जो है मैंने गुण श्रेणी निर्जरा में इस दोगे दोगे दुगने में दिखा रहे हैं, जहाँ पर संख्यात गुणी निर्जरा होती है वो जो है तभी जो है कर्मों को, जहाँ की कर्म का जो मेरु के समान होते हैं उनको नष्ट करने के लिए उसी निर्जरा के माध्यम से उनकी सफाई होती है। अब 2 सूत्रों के माध्यम से आखिरी में 5 प्रकार के मुनियों के वर्णन करने वाले सूत्र आ रहे हैं। तो पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नात का निर्ग्रंथा, हाँ इसमें 5 प्रकार के जो पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ और स्नातक, ये 5 निर्ग्रंथ मुनि होते हैं। अब इनके विषय में जहाँ जो पुलाक मुनि होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि उत्तर गुणों की भावना से रहित, उत्तर गुण जो तप आदि होते हैं परिचय आदि उनकी भावना से रहित होते हैं, और कभी कभी जो व्रतों में भी वो अपरिपूर्णता वाले होते हैं। बकुश जो मुनि होते हैं व्रतों को अखंड पालते हैं लेकिन शरीर और उपकरण की शोभा बढ़ाने में लगे रहते हैं, और जो कुशील होते हैं उनमें प्रतिशिवना और कषाय दो भेद होते हैं। तो उसमें प्रतिशिवना कुशील मूल उत्तर गुणों में परिपूर्ण लेकिन कभी कभी उत्तर गुणों की विराधना कर देते हैं, और कषाय कुशील जो होते हैं वो संजलन के अलावा शेष कषायों को उन्होंने जीत लिया है। फिर निर्ग्रंथ जो होते हैं जिनका मोह नाश अथवा उपशमित हो गया है, अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, और स्नातक वो होते हैं जिन्होंने घातीय कर्मों का नाश कर दिया। तो 5 प्रकार के मुनि होते हैं। तो इनमें इनके लिए आगे जो तुलनात्मक दृष्टि से इनका वर्णन कर रहे हैं तो उसमें संयम श्रुत प्रति सेवना तीर्थ लिंग लेशो पाद स्थान विकल्पतः साध्या, हाँ अब इनमें संयम सबके अलग अलग होते हैं। तो उसमें जो पहले पुलाक मुनि है उनका सामायिक छेदोपस्थापना, फिर बकुश है उनका भी सामायिक छेदोपस्थापना, तीसरे जो कुशील मुनि हैं उनमें प्रतिसेवना कुशील के लिए, नाम से जो है कुशील शब्द से भ्रमित नहीं होना यहाँ पे तो संज्ञा है केवल, तो उसमें सामायिक छेदोपस्थापना, और जो कषाय कुशील हैं उनके लिए यथाख्यात के सिवाय शेष 4 होते हैं, और निर्ग्रंथ और स्नातक ये दोनों यथाख्यात वाले होते हैं। अब इनके पास में श्रुत जघन्य से आचारांग में आचार वस्तु प्रमाण, आचार वस्तु प्रमाण यानी 5 समिति और 3 गुप्ति आदि, इनका जो या जो जीवन में आचरण करने के योग्य ज्ञान है बस केवल उतना ही ज्ञान है और कुछ ज्ञान नहीं, तो ये जघन्य में इतना, और इनका उत्कर्ष जो है 10 पूर्व हो सकता है। फिर बकुश मुनि के लिए 8 प्रवचन मात्रिका जिसमें 5 समिति और 3 गुप्ति का ज्ञान, और उत्कर्ष इनका भी 10 पूर्व है। फिर प्रतिशिवना कुशील के लिए भी 8 प्रवचन मात्रिका, और कषाय कुशील के लिए भी इतना ही है, निर्ग्रंथ के लिए भी इतना ही है, और जो स्नातक होते हैं वो शुद्ध ज्ञान से रहते होते हैं क्योंकि केवल ज्ञान ही है तो इसलिए शुद्ध ज्ञान नहीं रहता, और इनके पास में निर्ग्रंथ के पास में 14 पूर्व का ज्ञान हो सकता है, और जो कषाय कुशील है उनके पास में भी 14 पूर्व उत्कृष्ट से हो सकता है। प्रतिशिवना यानी विराधना, तो पुलाक मुनि दूसरों के दबाव बस 5 व्रतों में और रात्रि भोजन त्याग व्रत में से भी किसी की विराधना हो सकती है। जैसे कोई मुनिराज कहीं जंगल आदि में हैं और कोई ज़बरदस्ती मुंह में कुछ रात में डाल दे तो ऐसे जो है दूसरों के कारण में ऐसी जो है यहाँ पर दबाव बस जो है विराधना हो जाती है। तो और बकुश जो होते हैं वो उपकरण बकुश जो है उपकरण की चाह रखते हैं, और शरीर बकुश जो होते हैं वो शरीर संस्कार की चाह रखते हैं। फिर जो प्रतिसेवना कुशील है वह उत्तर गुणों की प्रार्थना हो जाती है, और प्रतिसेवना का अभाव जो है कषाय कुशील में होता है, बाकी समय प्रतिसेवना यानी कोई भी प्रार्थना का अभाव रहता है। ये 5ों प्रकार के जो मुनि हैं वो सभी तीर्थंकरों के काल में होते हैं और सभी भावलिंगी होते हैं,
और द्रव्यलिंग की अपेक्षा से उनमें अंतर यानी शरीर की ऊंचाई आदि में अंतर हो सकता है, लेकिन सभी यथाजात रूप वाले होते हैं। अपन लेशिया भी 24 ठाणा में पढ़ रहे थे, तो जहाँ चौथे गुणस्थान से ऊपर सब में शुभ लेशियाएँ होती, लेकिन यहाँ पर इसमें जो वर्णन पूज्यपाद स्वामी ने किया है उसमें पुलाक मुनि के लिए तो 3 शुभ लेशियाएँ लिखी हैं, लेकिन जो बकुश मुनि हैं उनके लिए 6 लेशियाँ लिखी हैं, और जो प्रतिसेवना कुशील हैं उनके लिए भी 6 लिखी हैं। जहाँ कषाय कुशील, जहाँ पर उनकी केवल संजुरन कषाय रह गई है, लेकिन फिर भी वहाँ पर उनको कापुत लेशिया भी मानी गई, ऐसी 4 लेशियाँ हैं, और निर्गंत और स्नातक वहाँ पर शुक्ल और शुक्ल लेशा से रहती होते हैं। कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, तो पुलाक मुनि 12वें स्वर तक उत्कृष्ट, और जो बकुश मुनि हैं वो 15वें 16वें स्वर तक, प्रतिसेवना कुशील भी 15वें 16वें तक, कषाय कुशील सर्वार सिद्धि तक, निर्गंध भी सर्वार सिद्धि तक, और जो केवल ज्ञानी है वो तो मोक्ष जाते हैं, और सभी का जघन्य उत्पाद 1ले स्वर तक होता है, यानी 2 सागर की आयु तक, यानी उससे नीचे नहीं आते। फिर संयम स्थान में इनके जहाँ आगे तारतमता के हिसाब से इनकी रेस कराई जाती है, तो सबसे पहले जहाँ जघन्य में जो पुलाक मुनि के जघन्य स्थान होते हैं, और कुछ कषाय कुशील मुनिराज के भी जघन्य स्थान दोनों के समान होते हैं। फिर असंख्यात समय संयम स्थान जाने के बाद में पुलाक मुनि का जो है बस वहाँ पर समाप्त हो जाता है, उनके भाव के स्थान इससे ऊपर नहीं होते। फिर कषाय कुशील मुनि असंख्यात स्थान तक आगे जाते हैं, फिर उसके बाद में बकुश मुनि उनके जघन्य प्रारंभ होते हैं, और साथ ही साथ में जो प्रतिसेवना कुशील हैं उनके भी जघन्य प्रारंभ होते हैं। फिर आगे जाने के बाद में बकुश मुनि के उत्कृष्ट आ जाता है, फिर उसके बाद में उनके समाप्त हो जाते हैं। फिर कषाय कुशील मुनि और प्रतिसेवना दोनों मुनियों के साथ साथ चलते हैं, फिर उसमें प्रतिसेवना मुनि के भी वहाँ पर जो संयम स्थान है वो समाप्त हो जाते हैं। फिर कषाय कुशील मुनि आगे तक जाते हैं, और उधर से फिर निर्गंथ मुनि के जघन्य प्रारंभ होते हैं, जब इनके ख़त्म होते हैं वहाँ से उनके जघन्य प्रारंभ होते हैं, और फिर उसके बाद में जहाँ उनके उत्कृष्ट समाप्त होते हैं उससे एक स्थान आगे जाकर के केवली का स्थान होता है स्नातक का। तो इस प्रकार से उनके संयम स्थान के बारे में आगे आगे किस प्रकार की स्थिति बनती है, तो ये 2 सूत्रों का जो है विशेष वर्णन आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, तो उसके माध्यम से जो अपन 24 ठाणादि में पढ़ते हैं उससे थोड़ा अंतर इसमें देखने के लिए मिलता है। तो ये 47 सूत्रों में अपन ने कौन सा अध्याय, 9वां अध्याय पूर्ण किया, तो जिसमें हमने पहले बताया था कि इसको याद रखने के लिए इसमें 4 प्रकार के ध्यान का वर्णन है, तो अपन इसको 4 लिख लें, और 7 जो है 7 जलाने के लिए इसमें 4 ध्यान में से वर्तमान में केवल 3 ध्यान हो सकते हैं, शुक्ल ध्यान इस समय में नहीं हो सकता, तो 4 और 3 जोड़ करके 4 के आगे 7 लिखने से अपन इसको 47 सूत्रों वाला कर सकते हैं याद। और इनमें पुनः अपन इसके देखें किस प्रकार से ये विभाजित हैं, तो सबसे आखिरी 2 सूत्रों में भी अपन देख ही रहे थे कि 2 मुनियों के 5 प्रकार के भेद और उनकी आपस में तुलना, फिर इसके बाद में 1 सूत्र में निर्जरा का क्रम था, फिर 2 में वितर्क और विचार की परिभाषाएं थीं, फिर 3 सूत्रों में कितने योग होते हैं और पहले 2 सूत्र कैसे होते हैं, पहले 2 जो ध्यान होंगे उनमें कैसा होता है, दूसरा वाला जो अविचार होता है, फिर 3 सूत्रों में शुक्ल ध्यान के वहाँ पहले स्वामी बतलाए और बाद में शुक्ल ध्यान के 4 भेद बतलाए, इसके बाद में इसके यानी पहले देखें तो पहले में धर्म ध्यान के स्वामी नहीं बतलाए, केवल धर्म ध्यान के भेद बतलाए, फिर रौद्र ध्यान के भेद और स्वामी बतलाए, फिर उसमें आर्ध ध्यान के स्वामी, फिर 4 सूत्रों में आर्ध ध्यान के भेद, फिर 3 सूत्रों में ध्यान का सामान्य वर्णन, फिर 5 सूत्रों में ध्यान के पहले इनका जो विभाजन जो अपन ने पढ़े थे 6 अभ्यंतर तप, फिर अभ्यंतर तप, अभ्यंतर तपों के पहले बाह्य तप, उसके पहले चारित्र, 5 सूत्रों में कितने परिचय एक साथ हो सकते हैं और 4 सूत्रों में कौन कौन से कर्म से होते हैं, इसके पहले 5 सूत्रों में परिचय क्यों सहन किए जाते हैं, परिचयों के नाम और किस गुणस्थान में कितने परिचय होते हैं, इसके पहले जो 7 सूत्र हैं उनमें पहले जो हैं 4 गुप्ती समिति धर्म और अनुप्रेक्षा इनका वर्णन 4 सूत्रों में, और पहले 3 सूत्रों में जहाँ आश्रम निरोधा संबरा और 5 वो समिति गुप्ती समिति आदि का वर्णन, और उसके बाद में तपसा निर्जराचा, ऐसे जो हैं 47 सूत्रों को अपन अपने उंगलियों के पोरे पर याद रख करके उनका जब भी कभी जब अपने पास में कोई श्रुतादि नहीं होता उस समय में एकांत में भी इसका अपन जो है चिंतन मनन आदि कर सकते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचने अगर मन ही न रहे,
शाही के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंता मणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से, कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभवा।